नमस्ते दोस्तों, मेनिस्कस इंजरी एक बहुत ही कॉमन ऑर्थोपेडिक घुटने की इंजरी है। मेनिस्कस यानी कि घुटने की गद्दी। घुटने की गद्दी घुटने में एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, और अगर हम घुटने की बात करें तो ये घुटने की ऊपर की हड्डी है जिसको जांघ की हड्डी या फीमर बोलते हैं, और ये घुटने की नीचे की हड्डी है जिसको टांग की हड्डी या टीबिया बोलते हैं। इन दोनों हड्डियों के बीच में अगर हम देखें तो दो चंद्राकार स्ट्रक्चर होते हैं जिनको घुटने की गादी कहा जाता है। घुटने के अंदर दो गादी होती है, एक गादी अंदर की तरफ होती है जिसको मीडियल मेनिस्कस कहा जाता है, और एक गादी बाहर की तरफ होती है जिसको लैटरल मेनिस्कस कहा जाता है। जो घुटने की अंदर वाली गद्दी होती है जिसको मीडियल मेनिस्कस कहा जाता है, ये एक अर्धचंद्राकार स्ट्रक्चर होता है जो घुटने के अंदर की तरफ होता है, और आम तौर पे घुटने का 80% वजन घुटने की अंदर की गद्दी लेती है। मतलब आपके शरीर का 80% वेट जो होता है वो घुटने की अंदर वाली गद्दी जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं वो वहन करती है, और शरीर का करीबन 20% वेट जो घुटने की तरफ बाहर में गद्दी होती है जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं वो वहन करती है। तो 80% और 20%, और यही कारण है कि जब घुटने का घिसारा होता है, घुटने में जो इंजरीज होती हैं उसमें अंदर की तरफ की गादी यानी कि मीडियल मेनिस्कस टेयर होने की संभावना लैटरल मेनिस्कस टेयर होने की तुलना में अधिक रहती है। जिन भी मरीजों को घुटने में घिसारा आता है उनको आमतौर पे अंदर की तरफ वाली गादी यानी कि मीडियल मेनिस्कस में चोट या इंजरी ज़्यादा होती है। घुटने की बाहर की तरफ की जो गादी होती है जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं वो भी इंजर्ड हो सकती है, उसमें भी चोट लग सकती है, वो भी फट सकती है। ये आमतौर पे लिगामेंट इंजरी के साथ ज़्यादा देखने को मिलती है। इसका अभिप्राय ये है कि अगर आपको कोई ट्विस्टिंग इंजरी हुई है और आपका लिगामेंट फट गया है तो ऐसा हो सकता है कि बाहर की तरफ वाली गादी जिसको लैटरल मेनिस्कस बोलते हैं उसमें चोट आ गई हो और वो गादी फट गई हो। परंतु अगर आपके लिगामेंट इंजरी है और आप उस लिगामेंट इंजरी पर चलते रहे, आपने उसको इग्नोर किया, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, सही समय पर आपने सर्जरी नहीं कराई, तो ज़्यादा चांसेस ये है कि आपके घुटने के अंदर वाली गादी जिसको मीडियल मेनिस्कस बोलते हैं उसमें घिसारा आएगा और उसमें इंजरी होगी। तो आइए बात करते हैं जो मेनिस्कस इंजरी है या मेनिस्कस का जो है उसका स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बात किया कि अंदर की तरफ वाली गादी जो मीडियल मेनिस्कस होती है ये एक चंद्राकार स्ट्रक्चर होता है। चंद्राकार का मतलब होता है ये एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ये आगे की तरफ एक एंटीरियर रूट और पीछे की तरफ एक पोस्टीरियर रूट नामक स्ट्रक्चर से हड्डी के साथ चिपकी रहती है, और ये नीचे वाली हड्डी मतलब जो टांग की हड्डी होती है जिसको टीबिया बोलते हैं उस पर चिपक जाती है। जो गद्दी होती है उसकी ऊपर की सतह कॉनकेव होती है, मतलब ऊपर की सतह इस तरह से होती है, और जो निचली सतह होती है वो सपाट होती है, और इसका जो आकार जो होता है वो इस तरह से होता है कि ये एक बहुत ही अच्छे शॉकर की तरह काम करती है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि टू व्हीलर या फोर व्हीलर में शॉकर्स होते हैं, उसी तरह भगवान ने आपके घुटने में जो है वो गद्दी दी है जो उसको शॉक एब्जॉर्बर का काम करती है, और आपके घुटने में होने वाला जो लोड है या घुटने पर पड़ने वाला जो भार है उसको कम कर देती है। ये एक रबर जैसा स्ट्रक्चर होता है, और अगर हम इसके एक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये मल्टीपल कोलेजन फाइबर्स की बनी होती है। जो फाइबर होते हैं वो सर्कमफरेंशियल भी होते हैं और रेडियल भी होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो कुछ फाइबर होते हैं वो इस तरह से जाते हैं और कुछ फाइबर इस तरह से जाते हैं, और ये इसकी जो बनावट होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हूप स्ट्रेस जो बॉडी के पड़ते हैं वो डिसिपेट हो जाते हैं। मतलब जो ऊपर से लोडिंग आएगी वो साइड में डिसिपेट हो जाएगा, नीचे की तरफ नहीं आएगा। तो आपकी जो नीचे की हड्डी है यानी कि टांग की हड्डी है और उस पर होने वाला जो घिसारा है वो गद्दी के माध्यम से बच जाता है। एक बात बहुत ही समझने की है कि जो गादी है उसमें बाहर से अंदर की तरफ खून का बहाव आता है। इसका अभिप्राय यह कि जैसे आप यहां से देख रहे हैं तो ये जो आपने देखा ये गादी के बाहर का सरफेस है, यहां पर ये ज्यादा मोटी होती है और खून की छोटी छोटी धमनियां बाहर से अंदर की तरफ जाती है, और इसी कारण से घुटने के अंदर गादी के तीन जोन डिस्क्राइब हो जाते हैं, एक रेड रेड जोन, एक रेड वाइट जोन और एक वाइट वाइट जोन। सो इसका अभिप्राय यह है कि
आपके घुटने में जो लहू का संचार है वो बाहर से अंदर की तरफ होगा गादी में, तो गादी का जो इंजरी है, ये गादी में टेयर है, जितना बाहर की तरफ होगा और अगर उसको हम रिपेयर करने जाएंगे तो उसकी सक्सेस रेट, उसकी सफलता के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो जितना पेरिफेरल टेयर है, जितना जो गादी की इंजरी है वो जितनी बाहर की तरफ होगी उतना ही उसका सर्जिकल सक्सेस रेट ज़्यादा देखने को मिलता है। आइए बात करते हैं मेनिस्कस टेयर क्यों होता है इसके बारे में। मेनिस्कस टेयर आमतौर पे दो तरह के सिनारियों में देखने को मिलता है। पहला, आपको घुटना मुड़ जाने के कारण एक ट्विस्टिंग इंजरी हो गई, मतलब अंदर ही अंदर घुटना मुड़ गया है और घुटना जिस तरह से घूमा है उसके कारण अंदर से जो गद्दी है वो फट गई है। ये एक बहुत ही आम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। ये आपको स्पोर्ट्स इंजरी में मिल सकता है, खेलते कूदते वक्त हो सकता है, डांस करते हुए इंजरी हो सकती है, सीढ़ी उतरते हुए आपका पाँव मुड़ गया ऐसा हो सकता है, बाथरूम में आप हैं आपका पाँव मुड़ गया ऐसा हो सकता है, या आप कुछ भी अनयूजुअल काम कर रहे हैं और आपका पाँव मुड़ गया है और इस तरह की गद्दी की इंजरी हो गई है, ऐसा हो सकता है। दूसरा, डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर। इसका अभिप्राय यह होता है कि धीरे 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 जब आप चलते हैं तो घुटने में घिसारा या घुटने में डैमेज आना शुरू हो जाता है और कई बार डीजेनरेटिव मतलब ओवर यूज से, ज़्यादा घुटने का काम लेने से भी घुटने में डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर हो सकता है। तो ये तो रहे कारण जिसके कारण से गद्दी जो है घुटने की वो फट सकती है। अब हम बात करते हैं कि अगर आपके घुटने के अंदर की गद्दी फट गई है तो आपको उसके कारण से क्या सिम्टम्स आएंगे, क्या तकलीफ होने लग जाएगी। तो अगर आपके घुटने में अंदर की गादी फट गई है तो आपको क्या क्या तकलीफ हो सकती है। पहली तकलीफ, आपको घुटने में दर्द हो सकता है। ये दर्द कॉन्स्टेंटली रह सकता है, मतलब ऐसा हो सकता है कि यह दर्द हमेशा रहे, ऐसा भी हो सकता है ये दर्द कभी कभी आए, ऐसा हो सकता है कि दर्द रुक रुक के आए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये दर्द कभी आए फिर रुक जाए, फिर कभी आए फिर बंद हो जाए, फिर आपके 4-5 दिन अच्छे निकले फिर आ जाए। तो दर्द हो सकता है और दर्द अलग अलग तरीके का हो सकता है। साथ ही साथ एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई बार जो गद्दी होती है वो फटने के कारण, गद्दी में इंजरी होने के कारण कई तरह की रसौली बन जाती है, जिसको हम मेनिस्कल या पैरा मेनिस्कल सिस्ट भी कहते हैं। ये सिस्ट या ये रसौली जो होती है ये आपके घुटने में दर्द का कारण हो सकती है। तो ये भी आपको हमको देखना पड़ता है कई बार ऐसा होता है कि गादी फटने के कारण घुटने में कोई सिस्ट या कोई रसौली तो नहीं बन गई। दूसरा सिम्टम जो बहुत कॉमनली हमको देखने को मिलता है उसको हम कहते हैं लॉकिंग। लॉकिंग का अभिप्राय ये है कि जब भी आपका घुटना हम सीधा करेंगे या मोड़ेंगे तो घुटना जो है वो अटक जाता है या घुटना फंस जाता है। आपको ऐसा महसूस होगा कि घुटने के अंदर कुछ चीज़ फंस गई है, जैसे किसी चीज़ ने घुटने को रोक लिया है, इसको लॉकिंग बोलते हैं। कई बार लॉकिंग के कारण घुटना पूरा सीधा होने में भी आप असमर्थ होते हैं, मतलब अगर आप घुटने को पूरा सीधा करना चाहें तो घुटना पूरा सीधा नहीं होगा। तो ये जो चीज़ होती है इसको हम बोलते हैं लॉकिंग सिम्टम। तीसरा, घुटने के अंदर से आपको आवाज़ आ सकती है, जैसे कि कई बार पॉप करके आवाज आती है, कई बार टक करके आवाज आती है, और सब खास तौर पे जब चोट लगती है, जब इंजरी होती है तब इस तरह की आवाज़ मरीज को ज़्यादा महसूस होती है कि आपको कोई चोट लगा, घुटना मुड़ गया और अंदर से आवाज़ आई और उसके बाद से तकलीफ हो रही है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कोई चोट लगी और चोट लगने के समय आवाज़ आई है तो उसको इग्नोर नहीं करें, वो आपके घुटने में मेनिस्कस इंजरी की द्योतक हो सकती है। साथ ही साथ घुटने के अंदर सूजन आ सकती है। घुटने में सूजन या नी फ्यूजन मेनिस्कस या गद्दी के इंजरी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण होता है। अगर आपको घुटने में सूजन रहती है, घुटना भारी भारी लगता है, या आपको ऐसा लगता है कि घुटने में पानी भर गया है और ये एक घुटने में है, तो ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने के अंदर की जो गद्दी है वो गद्दी फट गई हो, जिसके कारण से आपको ये तकलीफ हो। कई बार घुटने के अंदर कुछ अटकने की सेंसेशन भी होती है, जिसको हमारी भाषा में कैचिंग बोलते हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि घुटने के अंदर कुछ फंस रहा है, कुछ अटक रहा है, ऐसी फीलिंग भी हो सकती है। साथ ही साथ कई बार मरीज को घुटना मोड़ने में और घुटना सीधा करने में भी तकलीफ होती है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप घुटना पूरा मोड़ने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं हो, या पूरा सीधा करने की कोशिश करें तो वो संभव नहीं हो। तो घुटने का जो मूवमेंट है आपका वो भी पहले की तुलना में कम हो सकता है, जो भी इस बात का द्योतक है कि आपको गद्दी में इंजरी या मेनिस्कस टेयर हो गया है।
कभी कभी आपको गिविंग अवे की फीलिंग आती है। गिविंग अवे का मतलब ये है कि आप चल रहे हैं, चलते चलते आपको ऐसा लगेगा कि आप गिर जाओगे। ऐसी फीलिंग भी आपको अगर घुटने की गद्दी फट गई है तो उस समय आ सकती है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि घुटना जो होता है वो घुटने का एक जो है आपके शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जॉइंट है और ये घुटने का सबसे बड़ा लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट है। इसलिए इसको काफ़ी स्ट्रेंथ दी गई है और इसको काफ़ी सारे प्रोटेक्टिव फीचर्स दिए गए हैं। मतलब इसमें ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें दी गई हैं जिससे ये घुटना बचा रहे और आपके जो है बॉडी को चलाता रहे। क्योंकि जब आप चलते हो तो चलने का अधिकांशतर लोड जो है वो आपके घुटने के ऊपर आता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सारा का सारा बॉडी का लोड लेके उसको साइड में डिस्पर्स कर देना मेनिस्कस यानी कि गद्दी का प्रमुख फंक्शन होता है। अब कई मरीजों ने हमसे ये पूछा है कि डॉक्टर साहब घुटने में अगर गद्दी फट गई है तो हमें कैसे पता पड़ेगा कि घुटने के अंदर की गद्दी फट गई है। तो आइए बात करते हैं कुछ बेसिक टेस्ट के बारे में। दो तरह के टेस्ट आमतौर पर आपके फिजिशियन कर सकते हैं। पहला टेस्ट जिसको मैकमुरे टेस्ट बोलते हैं, ये सीधा लेटा के किया जाता है, और दूसरा टेस्ट जिसको एप्लीस टेस्ट बोलते हैं और ये उल्टा लेटा के किया जाता है। ध्यान रखने की बात यह है कि ये दोनों ही टेस्ट बहुत सेंसिटिव टेस्ट नहीं होते हैं। इसका मतलब ये कि सिर्फ 80-90% मरीजों में ही ये टेस्ट करके आपके घुटने के अंदर की गद्दी की इंजरी का पता लगाया जा सकता है। तो ये एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, पर ये हमको एक आइडिया देता है कि मरीज को इस तरह की इंजरी हो सकती है। परंतु अगर हमको मेनिस्कस यानी कि गद्दी की इंजरी को कंफर्म करना है तो इसके लिए जो सबसे अच्छा टेस्ट है वो है एमआरआई स्कैन। एमआरआई का अभिप्राय होता है मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि अगर आप एमआरआई कराएं तो कम से कम 1.5 टेस्ला की मशीन उतनी जो है सेंसिटिविटी होनी चाहिए ताकि वो सबसे छोटे से छोटे मेनिस्कस टेयर को पकड़ पाए। कई बार हमने देखा है कि मरीज 0.5 टेस्ला की मरीज पे रिपोर्ट करा के लाते हैं और उस मशीन की जो रिपोर्टिंग होती है वो इतनी एक्यूरेट या इतनी अच्छी नहीं होती है, तो कई बार जो छोटे छोटे मेनिस्कस टेयर होते हैं वो मिस हो जाते हैं। तो अगर आपको किंचित भी डाउट है कि आपके घुटने में गद्दी की चोट या गद्दी की इंजरी हो सकती है तो हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप घुटने का एक MRI जरूर और ज़रूर करा लें। MRI टेस्ट ऑलमोस्ट 98-99% सिनारियो में घुटने की गद्दी की इंजरी को पकड़ लेता है, तो काफ़ी अच्छी सेंसिटिविटी MRI की होती है। परंतु MRI का एक ड्रॉबैक भी है। MRI जो है गद्दी की इंजरी को ओवर रीड करता है। इसका अभिप्राय ये है कि MRI में आपकी जो गद्दी की इंजरी है उसको ग्रेड 1, ग्रेड 2 और ग्रेड 3 करके रिपोर्ट किया जाता है। यहाँ पर ध्यान से सुने कि अगर आपको MRI में ग्रेड 1 इंजरी आ रही है तो कोई चिंता की बात नहीं होती है। इसमें इसका मतलब ये है कि आपको कोई मेनिस्कस टेयर नहीं है। अगर ग्रेड 1 सिग्नल चेंजेस आपके MRI में है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेनिस्कस में टेयर है या गद्दी फटी हुई है। इस तरह के मरीजों में फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज करके अच्छा आराम दिया जा सकता है और आमतौर पे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होती है। केवल उन्हीं केसेस में जहाँ पर ग्रेड 3 मेनिस्कस टेयर आ रहा है उन्हीं मरीजों में आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन से सर्जरी करने की आवश्यकता होती है। अगर आपको ग्रेड 2 मेनिस्कल सिग्नल चेंजेस MRI रिपोर्ट में आ रहे हैं तो आपको अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन जो कि आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी में पारंगत हैं, जिसको हमारी भाषा में आर्थ्रोस्कोपिक सर्जन भी बोलते हैं, उनके पास जाके इसकी जाँच करानी चाहिए और वो आपको बता पाएंगे कि इसमें आपको आर्थ्रोस्कोपी की आवश्यकता है या नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस में करीबन 80% पेशेंट्स जिनको ग्रेड 2 मेनिस्कल सिग्नल चेंजेस होते हैं उनमें आर्थ्रोस्कोपी की आवश्यकता नहीं होती है। सिर्फ 20% मरीज ऐसे होते हैं जिनको ग्रेड 2 सिग्नल चेंजेस होते हैं और उनको आर्थ्रोस्कोपिक ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ सकती है।
और दूसरी चीज़ एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जब भी आप अपने सर्जन के पास जाएं तो सिर्फ कागज़ की रिपोर्ट लेके नहीं जाएं, एक्चुअल फिल्म लेके जाएं, जिससे ये एग्जैक्ट आपके सर्जन आपको बता पाएंगे कि किस तरह की मेनिस्कस इंजरी है और उसके लिए क्या बेस्ट समाधान आपके केस में किया जा सकता है। तो फिल्म की रीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो रिटन रिपोर्ट है वो उतनी महत्वपूर्ण मेनिस्कस इंजरी के केस में नहीं होती है। अब कई सारे मरीज हमको पूछते हैं कि डॉक्टर साहब ये मेनिस्कस जो टेयर होते हैं ये कितने तरह के होते हैं। तो मेनिस्कस टेयर्स जो होते हैं वो कई तरह के होते हैं। पहली बात हम करते हैं जो बॉडी मतलब मेनिस्कस के जो सब्सटेंस है, अगर उसमें टेयर हो रहा है तो वो किस तरह का होता है। मेनिस्कस टेयर्स में मेनिस्कस कई तरीके से फट सकता है, गद्दी कई तरह से फट सकती है। ये जो मेनिस्कस टेयर होता है ये सर्कुलर हो सकता है, वर्टिकल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल हो सकता है, रेडियल हो सकता है, और कई बार ये मिक्सचर होता है जिसको हमारी भाषा में कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। कई बार ये टेयर बकेट हैंडल टेयर होता है। बकेट हैंडल टेयर का अभिप्राय ये है कि जिस तरह से बाल्टी का हैंडल होता है उसी तरह से गद्दी का जो एक टुकड़ा है वो फट के अलग हो जाता है, वो जॉइंट के बीच में फंस जाता है। और बकेट हैंडल टेयर जो होता है वो खास तौर पे उस तरह के टेयर होते हैं जहाँ पे हम गद्दी को वापस से रिपेयर करने या सिलने का प्रयत्न करते हैं। दूसरे तरह के जो टेयर होते हैं वो मेनिस्कस रूट टेयर होते हैं। ये वो टेयर हैं जहाँ पर गद्दी जहाँ पे बोन से अटैच हो रखी है वहाँ से उखड़ जाती है, तो इसको हमारी भाषा में मेनिस्कस रूट टेयर बोलते हैं। ये अलग तरह के टेयर होते हैं और ये टेयर आम तौर पे आपके घिसारे की शुरुआती क्षणों में आता है। तो मतलब अगर आपको घिसारा होने की शुरुआत हुई है तो ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने के अंदर जो है मेनिस्कस रूट टेयर हो, और हम मेनिस्कस रूट टेयर करके आपके होने वाले घिसारे को बचा सकें। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। गद्दी के जो टेयर होते हैं उसके ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है जो बताना चाहूँगा, गद्दी की अगर आपको इंजरी है ग्रेड 3 आपके घुटने की जो गद्दी है वो फट गई है, और कुछ केसेस मैंने आपको कहा कि 20% केसेस जहाँ ग्रेड 2 इंजरी है वहाँ पर आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करके गद्दी का सर्जरी करना ज़रूरी होता है। कई मरीज़ हमसे सवाल पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या ऐसा होता है कि गद्दी की सर्जरी करके आप करने से आपके घुटने में घिसारा बढ़ जाता है। तो इसका जवाब यह है कि जो गद्दी की जो हम सर्जरी करते हैं वो सर्जरी हम इसलिए करते हैं कि आपके घुटने में घिसारा न हो। फर्ज कीजिए कि हम आपके घुटने की गद्दी फट गई है, और इसके जो दो मेन ट्रीटमेंट मॉडलिटी हैं वो ये हैं कि ये तो हम वो जो गद्दी का टुकड़ा जो थोड़ा फट गया है उसको हम थोड़ा सा जो टुकड़ा ख़राब हो गया है उसको निकाल दें, जिसको पार्शियल मेनिसेक्टमी बोलते हैं। और जो दूसरा सबसे बेहतरीन ट्रीटमेंट है उसमें यह है कि दूरबीन के द्वारा हम जो गद्दी है उसमें मल्टीपल टाँके लेके गद्दी को रिपेयर कर दें, जिसको मेनिस्कस रिपेयर या गद्दी का रिपेयर का सर्जरी बोलते हैं। तो अगर आपकी गद्दी फट गई है तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं। पहला कि आप उसको छोड़ दें, अच्छे से एक्सरसाइज करें और दवाई लेके चलाएं। दूसरा, जो गद्दी का टुकड़ा फट गया है और उसको हम थोड़ा सा ट्रिम करके निकाल दें। और तीसरा कि हम उसको जो है वो दूरबीन से ऑपरेशन करके जो है वो उसको रिपेयर कर दें। पहला ऑप्शन आप किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास करा सकते हैं। कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आपके हैं वो आपको पहला जो सब ग्रुप है उसके बारे में गाइड कर सकते हैं, मेडिसिन और फिजियोथेरेपी के बारे में गाइड कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और सरल ट्रीटमेंट होता है, उसमें घुटना दबाने की एक्सरसाइज, मोड़ने की एक्सरसाइज और सीधा करने की एक्सरसाइज करनी होती है। दूसरा ट्रीटमेंट होता है जिसमें गद्दी का एक टुकड़ा निकाल दिया जाता है। ये कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जन जो आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी करना जानता है वो कर सकता है। ये एक आसान सा प्रोसीजर होता है, घुटने के अंदर जाकर घुटने की जो गद्दी खराब हो गई है उसको ट्रिम करके निकाल दिया जाता है। और तीसरा ऑप्शन जो होता है, जो थोड़े स्पेशलाइज्ड आर्थोस्कोपिक सर्जन होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड आर्थोस्कोपी सेंटर्स होते हैं, जो स्पेशलाइज्ड आर्थोस्कोपी के डॉक्टर्स होते हैं, वो आपकी गद्दी को रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें वो मल्टीपल टाँके लेके जो गद्दी फट गई है उसको रिपेयर करते हैं। तो ये तीसरा ऑप्शन आपके केस में होता है। अब घुटने में घिसारा होने का रिस्क सबसे ज़्यादा पहले ऑप्शन में है। अगर आपने घुटने में गद्दी में इंजरी है, टेयर है, उसको छोड़ दिया, कसरत और दवाइयों से चलाया, तो आपको घुटने में घिसारा होने का जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा होगा।
अगर आपकी जो गद्दी है वो पार्शियल मीडियल मेनिसेक्टमी करके निकाल दी तो आपके घुटने में घिसारे होने का रिस्क आपको जो प्रथम सिनारियो है जहाँ आपने कोई सर्जरी नहीं कराई उसकी तुलना में ज़्यादा, उसकी तुलना में घिसारे का रिस्क कम हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन जो है जिसमें हम गद्दी को रिपेयर करते हैं उसमें घुटने में घिसारा होने का रिस्क मिनिमम हो जाएगा क्योंकि उसमें जो गद्दी है उसको हमने वापस अपनी जगह पे अच्छे से टाँके मार के रिपेयर कर दिया गया है। तो जो आपका दूरबीन का सर्जरी है वो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहता है। और अगर हमने आपके घुटने को गद्दी को रिपेयर किया तो उसके रिजल्ट्स घुटने को गद्दी को अगर ट्रिम किया है या पार्शियल मीडियल मेनिसेक्टमी करी है तो उसकी तुलना में और बेहतर रहता है। तो आर्थोस्कोपिक सर्जरी उन मरीजों के लिए एक वरदान की तरह साबित हुई है जिन मरीजों को घुटने में गद्दी की इंजरी होती है या घुटने की गद्दी जो है वो क्रैक हो जाती है या घुटने की गद्दी जो है वो टेयर हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कई बार गद्दी का जो टेयर होता है वो एक सिस्ट या रसौली के साथ भी एसोसिएटेड होता है। तो उन केसेस में हमको गद्दी की रिपेयर के साथ साथ जो सिस्ट है उसका भी ऑपरेशन करना पड़ता है। तो सिस्ट का जो पानी होता है वो भी हम निकाल देते हैं। कई बार सिस्ट को हमको मार्सुपियलाइज करना पड़ता है या जिसका मुँह होता है उस मुँह को खोल देना पड़ता है जिसके कारण से उसका जो रसौली में पानी भर गया वो निकाल दिया है। कुछ कुछ केसेस में हमको वो ऑपरेशन करके वो पूरी की पूरी रसोली उसके रसोली की दीवारों के साथ ही निकाल देनी पड़ती है। तो वो भी एक सर्जरी का एक तरह से पार्ट हो जाता है। अब कई सारे मरीजों ने हमसे सवाल किया है कि डॉक्टर साहब अगर ये आप मेनिस्कस रिपेयर करते हैं जो एडवांस टेक्निक से आप गद्दी का रिपेयर करते हैं तो ये किस तरह से किया जाता है। तो घुटने की गद्दी का जो रिपेयर होता है इसके कई सारी टेक्निक्स जो हैं वो डिस्क्राइब्ड हैं। जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेक्निक है वो है इनसाइड आउट रिपेयर टेक्निक। ये आमतौर पे बकेट हैंडल टेयर्स में और बहुत बड़े टेयर्स में की जाती है। इसमें मल्टीपल नीडल्स डाल के अंदर से बाहर की तरफ आपकी जो फटी हुई गद्दी है उसको रिपेयर कर दिया जाता है। ये बहुत ही अच्छी तकनीक है, परंतु इसमें घुटने के पीछे की तरफ एक छोटा सा इंसिजन आता है जिसके अंदर जाके जो डॉक्टर होते हैं वो आपके अंदर जो गद्दी फट गई है उसमें डिफरेंट डिफरेंट टाँके ले लेते हैं। और ये एक बहुत ही सफल तकनीक है। ये आमतौर पे पीछे के और जो बॉडी होती है मेनिस्कस के उसके टेयर्स को रिपेयर करने में प्रयोग में ली जाती है। दूसरी टेक्निक होती है आउटसाइड इन टेक्निक। इसमें बाहर से अंदर की तरफ रिपेयर होती है। ये नॉर्मली आगे के मेनिस्कस टेयर और बॉडी के मेनिस्कस टेयर में ये तकनीक जो है वो प्रयोग में ली जा सकती है। और तीसरी टेक्निक जो होती है वो अभी और एडवांस टेक्निक है और इसको हम ऑल इनसाइड रिपेयर टेक्निक बोलते हैं। ये रिपेयर टेक्निक जो होती है ये स्पेशल एंकर और स्पेशल डिवाइस के माध्यम से की जाती है क्योंकि ये बहुत ही एडवांस टेक्निक है और इसमें जो डिवाइसेज यूज़ होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं। इसलिए ऑल इनसाइड मेनिस्कस टेयर अगर यूज़ किया जाता है तो आपकी सर्जरी की जो कॉस्टिंग है सर्जरी का जो पैकेज हम कह लें वो बढ़ जाता है क्योंकि ये जो एक एक डिवाइस होता है ये काफ़ी कॉस्टली होता है। और ऐसा हो सकता है कि आपके घुटने में 2, 3, 4, 5 या 6, 7 तक डिवाइस भी हमको प्रयोग में लेने पड़े। तो वो जितने ज़्यादा डिवाइस यूज़ करेंगे उतने ज़्यादा जो है वो सर्जरी की कॉस्टिंग बढ़ सकती है। परंतु ये अगर हम बात करें तो बहुत ही एडवांस टेक्निक है। इस तकनीक में आपको फ़ायदा ये होता है कि हमको एक्स्ट्रा इंसिजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और जो सर्जरी होती है वो पूर्णतया दूरबीन के द्वारा संभव की जा सकती है। अगर आपको इसी तरह से मेनिस्कस रूट टेयर है मतलब घुटने के अंदर की जो गद्दी है वो जहाँ पे जो टांग की हड्डी वहाँ पे अटैच होती है वहाँ से उखड़ गई है जिसको मेनिस्कस रूट टेयर बोलते हैं तो उन मरीजों में मेनिस्कस रूट को अपनी जगह पे चिपकाने के लिए स्पेशल सर्जरी होती है जिसमें हम पुल आउट सूचर लेके जो मेनिस्कस फट गया उसको वापस अपनी जगह पे रिपेयर कर लेते हैं। इस तकनीक को मेनिस्कस रूट रिपेयर सर्जरी बोलते हैं और ये एक अनोखी तकनीक है जिसके द्वारा हम घुटने में होने वाला घिसारा या घुटने में होने वाली घिसावट को रोक सकते हैं जिससे हम घुटने में होने वाले आर्थराइटिस से आपके घुटने को बचा सकते हैं। इसको मेनिस्कस रूट रिपेयर की सर्जरी कहते हैं। दोस्तों ये वीडियो के अंत में मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस जो ऑल इनसाइड हम यूज़ करते हैं ये कई सारे कंपनीज और कई सारे ब्रांड्स के आते हैं। तो जस्ट आपकी नॉलेज के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं। मैं आपको जस्ट कंपनी का नाम बताऊंगा, उसका प्रोडक्ट बताऊंगा, उसकी विशेषता बताऊंगा। तो स्मिथ एंड नेफ्यू कंपनी का एक फास्ट फिक्स डिवाइस आता है जो स्ट्रेट कर्व्ड और रिवर्स कर्व्ड के डायमेंशन में आते हैं और ये एक बहुत ही अच्छा डिवाइस है, एक सिंगल यूज डिवाइस है जिससे हम जो है आपकी गद्दी को चाहे अंदर की गद्दी हो या बाहर की गद्दी हो उसको रिपेयर कर सकते हैं। लिनवाटेक कंपनी का एक सिक्वेंट डिवाइस आता है
ये भी बहुत ही अच्छा डिवाइस है और इससे जो है कंटिन्यूस सूचर्स ले आ सकते हैं, मतलब एक सूचर के बाद अगला सूचर और अगले सूचर के बाद अगला सूचर भी है वो लिया जा सकता है। ये भी एक बहुत ही अच्छा और सफल मेनिस्कस रूट डिवाइस मतलब रिपेयर डिवाइस है। ये एक ही डायमेंशन में आता है जिसको कर्व्ड कहते हैं। ये 3 शॉट के 7 शॉट मतलब 3 शॉट या 7 शॉट दो अलग अलग वैरायटी का मार्केट में अवेलेबल है। आर्थेक्स कंपनी एक सिंच डिवाइस बनाती है, वो भी अपने आप में एक काफ़ी अच्छा डिवाइस है और डिफरेंट डिफरेंट तरह के वेरिएशंस उसमें आते हैं। ये भी एक ऑल इनसाइड डिवाइस है, इसमें एक डबल क्लिक करके जो डिवाइस है उससे आपके जो मेनिस्कस है उसको लॉक कर दिया जाता है और रिपेयर किया जाता है। स्ट्राइकर कंपनी का AIR डिवाइस है जिसको ऑल इनसाइड रिपेयर डिवाइस बोलते हैं। ये भी एक बहुत ही यूजफुल डिवाइस है, इसमें एक सफ़ेद रंग के धागे से दो छोटे छोटे एक्टिव डिप्लॉयमेंट डिवाइस होता है। इसमें दो बार हमको जस्ट उसको प्रोजेक्ट करना पड़ता है और वो जो जो एंकर होता है वो पीछे की तरफ फ्लिप हो जाता है और आपकी गाड़ी को रिपेयर कर देता है। जिमर बायोमेट कंपनी एक ऑल सूचर ऑल इनसाइड टेक्निक के साथ आई है जिसको जगर स्टिच टेक्निक बोलते हैं। इसमें जो है कोई मेटल या प्लास्टिक का पीस नहीं होता है, सिर्फ धागे के द्वारा ही रिपेयर हो जाती है जिसको ऑल सूचर ऑल इनसाइड मेनिस्कस रिपेयर डिवाइस बोलते हैं। ये जगर स्टिच भी कहा जाता है इस डिवाइस को। डेप्यो कंपनी का एक डिवाइस है जिसको ट्रू स्पान या ओमनिस्पान कहा जाता है, वो भी एक अच्छा और सफल मेनिस्कस रिपेयर डिवाइस है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मेनिस्कस के बारे में, गद्दी के बारे में और मेनिस्कस इंजरी के ट्रीटमेंट के बारे में आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करने में मैं सफल रहूँगा। इसके बावजूद भी अगर आपको किसी भी तरह के कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। धन्यवाद।